हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जो कार रिव्यू करने जा रहे हैं, ये है जो क्विड आ जाती है आपकी रेनॉल्ट की तरफ से। और ये जो इसका वेरिएंट है, ये टॉप एंड मॉडल है। मतलब इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं, पर इंजन ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये जो 1000 CC का जो होता है इंजन, 1.0 की आपको यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाएगी। ये वही वाला वेरिएंट है जो सबसे टॉप एंड है। और आज हम इसी कार का रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैंने कार इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस कार की जो डिमांड है बहुत ही बढ़िया है। और जो इसका जो सीधा सीधा आपको कॉम्पिटिटर मिल जाता है, वो मिल जाता है आपका कि आपकी एस्प्रेसो आ जाती है, या फिर आपका जो मारुति K10 वगैरह, 800 एल्टो K10 800 वगैरह में से जो होती है, उसका आपको कॉम्पिटिटर है उससे। और आज हम इसी कार को रिव्यू करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करें इसके फ्रंट लुक से, तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको थोड़ा, जैसे हमने सफारी देखी थी, सफारी से इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते हम, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे सफारी में भी जैसे ऊपर सी थी DRL और इंडिकेटर, और नीचे बड़ा सारा हेडलैम्प का था ऑप्शन, वैसे ही इसमें हेलोजन आपको इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको DRL का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्रोम की थोड़ी सी बिडिंग मिल जाएगी ग्रिल्स में, और यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा एक। और अगर हम बात करें साइड में, तो यही है इंडिकेटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके फेंडर्स पे हैं वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में आपका ये मिल जाएगा जो आपका मिरर है। ये ऑटो फोल्ड नहीं आता, मैनुअली एडजस्टेबल है। ये ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। RXT जो कि टॉप एंड मॉडल है, उसकी यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी और LED टेल लैम्प। तो गाइस, जब हम इसकी बूट को कर लेते हैं ओपन, मैन्युअली आपको की से ओपन करनी पड़ेगी इसकी जो बूट है। तो ये 205 लीटर की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है। इनफ है यार, मोर देन इनफ आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है इस कार के हिसाब से। पार्सल ट्रे का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इसमें, और मेरे को तो अगर बूट स्पेस देखे तो ठीक है, इनफ है इस कार के हिसाब से तो। और अगर हम चल लेते हैं, कर लेते हैं इंटीरियर में बात। तो गाइस, अगर हम बात कर लें इसके इंटीरियर में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फुली डिजिटल आपका जो स्पीडोमीटर है वो मिल जाता है। मैं एक बार आपको इसको थोड़ा एक्सेलरेट करके देख, ये देखो RPM जैसे बढ़ रहा है, तो फुली डिजिटल है ये। यहाँ पे आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग मिलता है, इसमें कोई स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स वगैरह नहीं आते, और जो इसका स्टेयरिंग है काफ़ी स्मूथ भी है ये। और अगर हम बात करें इसमें जो गियर नॉब है, 5-speed आपको गियर बॉक्स मिल जाता है इसमें। और अगर हम देखें तो इसकी प्राइसिंग आपको कुछ पड़ती है 5,80,000 राजस्थान के हिसाब से, जो कि एक ठीक है अमाउंट है, तो मतलब ठीक ठाक सी अमाउंट है। और अगर हम बात करें और, तो जो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे सारे ये विंडोज़ के, वो यहाँ से मिलेंगे आपको। लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, हिजार्ड का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स देखें तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ग्लव बॉक्स के नाम पे। और अगर जैसे ऐसे इंजन नॉइस देखें, तो गाड़ी की अगर जब AC ऑन नहीं है तब तो आपको, मैं एक बार थोड़ा बाहर, ऐसा कुछ है। और केबिन नॉइस इसमें अगर थोड़ी बहुत बिल्कुल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आपको थोड़ी फील हो रही हो तो ठीक है। अगर हम AC ऑन करते हैं ना, तो इंजन नॉइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, केबिन में भी आ जाती है। और अगर हम बाहर से देखें तो ठीक है, तो बाहर में भी ज़्यादा ही है। और अगर हम सीट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती है रेड एंड ब्लैक के फिनिश में, और ठीक है गाड़ी, मतलब एस्प्रेसो वगैरह उनसे तो बढ़िया है। बाकी फिर जहाँ पे ये चीज़ आ गई ना, इसके लिए लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी मारुति को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी बड़ी सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।